सेवेंथ की मैथ चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज, ठीक है? तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज की हम बात करें तो कुछ बातें आपको जो याद रखना, वो याद क्या रखना है पहला बात मैं बता दूं, ठीक है? अगर आपके पास सेम साइन अगर रहता है तो आपको हमेशा क्या निकालना है, उसका सम निकालना है। सेकेंड बात जो आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर से वीडियो देख लेना, अगर आपके पास साइन हो जाता है कौन सा, डिफरेंट साइन हो जाता है तो डिफरेंट साइन में आप क्या करोगे भाई, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। हमेशा याद रखना क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपको याद रखना ऑलवेज, थर्ड जो मेन चीज़ आपको याद रखना वो क्या है कि साइन कौन सा डालें। तो साइन जब भी बात करते हैं तो साइन होता है किसका, ग्रेटर नंबर का। कौन से नंबर का, ग्रेटर नंबर्स का साइन डालोगे, ठीक है? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के पहले में एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, आपको 14 में ऐड करना है किसको, माइनस 6 को। सबसे पहला काम करो कि आप इसका साइन चेंज करो, क्या करोगे, साइन चेंज करो। अगर जो ही साइन चेंज करोगे तो ये होगा 14 एंड माइनस 6 कन्फर्म। अब 14 माइनस 6 अगर आप करते हो तो आपको पता है दोनों का साइन हो गया डिफरेंस। अब बड़ा कौन सा नंबर है, 14 है, तो पहले 14 का प्लस डाल दो क्योंकि बड़ा नंबर, और डिफरेंट साइन में क्या निकालते थे, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कन्फर्म है। चलो क्वेश्चन नंबर बी देख लो, क्या है बी में भाई, आपको माइनस 52 के साथ ऐड करना है किसको, 67। फिर से इसमें डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालोगे, साइन बड़ा का होगा तो बड़ा 67 है तो प्लस होगा, और डिफरेंस निकालोगे तो 12 में से 7 गया तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 5, और 4, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, 7 में से 2 गया तो 5, और 6 में से 5 गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं आपके लिए, 68 में ऐड करना है माइनस 48 को। आपने क्या देखा, दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन में इधर प्लस रहता है तो भी प्लस करते हैं, और माइनस रहता है तो माइनस तो भी प्लस करते हैं, तो दोनों माइनस वाला है तो साइन तो माइनस का ही होगा, और ऐड कर दो, 8 और 8 ऐड करेंगे 16, अब 5 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, और कैरी किया था 1 तो कितना हो गया भाई, 116। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? चलो सेकेंड क्वेश्चन लेके आते हैं, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से सम निकालना है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, पहला सम निकालना है किसको, 1005 को ऐड करना है आपको किसके साथ, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ 277। तब तो मैंने पहले क्या बताया भाई, पहले आपको साइन चेंज करना है, तो 100 1005 प्लस और माइनस, माइनस का साइन 277। अब ये दोनों का साइन, इसका साइन हो गया प्लस इसका माइनस, दो डिफरेंस साइन में तो हम लोग क्या निकालते थे, डिफरेंस, और यहाँ पे साइन किसका होगा तो बड़े वाले का, तो साइन प्लस का होगा। 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 8 कंफर्म है, 9 में से 7 गया तो कितना आ गया, 2, और 9 में से 2 गया तो फिर से आ गया 7, करेक्ट आंसर पता चल गया, तो 2 का A कंफर्म। अब 2 का देख लेते हैं क्या चीज़, बी, ठीक है? तो बी में क्या कह रहा है भाई, बी में कह रहा है कि माइनस 489 में आपको ऐड करना है माइनस 324 को, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपका पहला काम होगा कि इसको सही से लिख लेना, 489 माइनस 324 कन्फर्म है। आप जरा देख लो इसको, तो दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन में सब निकालेंगे, अब साइन बड़े का होगा तो बड़ा तो 489 है, साइन माइनस दे दिया, और ऐड करो 9 और 4 13 का 3, 8 1 9 और 2 11 का 1, कैरी हुआ 1 5 और 3 8, आया समझ में बी, ठीक है? एक और समझना है, सी भी समझना है पक्का, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं सी। तो सी में क्या करना है भाई, सी में आपको माइनस 238 को ऐड करना है किसके साथ, 500 के साथ। दिख रहा है सब लोगों को, बड़ी अच्छी बात है, तो माइनस 238। अब देख लो यहाँ पर बड़ा कौन सा था, यहाँ पे बड़ा था आपका कौन सा, बताओ फटाफट, यहाँ पे बड़ा था आपका 500, तो साइन किसका हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा प्लस का, और साइन डिफरेंस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8
सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 होगा, और 9 में से 3 होगा तो कितना हो जाएगा 6, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ गया। समझ में 1A का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स लिखना है। क्या लिखना है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है तो आपको बताना है -93 में क्या ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी आसान है, इसमें आप ऐसा करो 93 को ऐड कर दो। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। बी में आपको समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ पर 226 में क्या ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, क्या ऐड करेंगे सर? इसमें ऐड करना होगा -226। ठीक है तो वैसे ही अगर हम बात कर ले सी का, तो 0 में क्या ऐड करोगे? ठीक है तो क्या आ जाएगा? 0। तो आप समझ में आ जाएगा सर ये आंसर तो बड़ी आसान है, आप ऐसा कर लो 0 में 0 ऐड कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए देखने के लिए। इसमें माइनस क्या चीज 4001 में क्या ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सर क्या? फटाफट देख लो। तो आप तो बिल्कुल आप क्लियर हो गए सर, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसका एडिटिव इनवर्स होगा, अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव एडिटिव। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर समझ में आ गया। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो तो ये तो सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखो सब्ट्रैक्ट में जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाले होता है ना उसको पहले लिखना है। इसमें पहले किसको लिखना है? -52 को। इसमें किसके लिखना है? -63 को। इसमें किसके लिए कितने को लिखना है? -44। और इसमें लिखना है किसको? 0 को। चलो तैयार है फटाफट शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ पे करना होगा -52, इसमें से माइनस करेंगे किसको? 38 को। ठीक है तो अब देख लो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का होगा तो 52 और 8 कितना होगा? 60 और 30। फटाफट बताओ 60 और 30 कितना हो गया सर? 60 और 30 हो गया 90। ठीक है सेकंड क्वेश्चन देख लो। इसमें -63 में से माइनस करना है किसको? -47 को। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको साइन चेंज करना होगा। बिल्कुल चेंज करना होगा, कर दिया हमने साइन चेंज करने के बाद आपको समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। साइन बड़े वाले का होगा तो 63 बड़ा इसलिए माइनस का साइन हमने दिया। 13 में से 7 गया तो कितना होगा? 6। 5 में से 4 गया तो कितना सब्ट्रैक्ट करके बचेगा? 1। समझ में आ गया अभी? अब फटाफट देख लो क्वेश्चन नंबर सी क्या है भैया। सी कह रहा है कि -44 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -88 को। एकदम सेम टू सेम लग रहा है ना, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि -44 और ये दोनों साइन जो आपको दिख रहा है माइनस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है और फिर से यहाँ पे हो गया 88, तो फिर से एक बड़ा और एक छोटा तो और एक प्लस और एक माइनस तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट और साइन बड़े वाले का, यानी प्लस का साइन हो जाएगा और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 44। फटाफट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आ गया भाई? हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया क्या? हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? अपने को 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -218 को। अब तो सब्ट्रैक्ट करना आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। चलो देखते हैं 0 + 218 आ गया ना, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाए कितना? 218। ये भी क्वेश्चन बन गया, यानी कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 लेके आते हैं आपके सामने। ठीक है 5 का देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको किसका सम निकालना है भाई? सबसे पहले आपको सम निकालना है किसका? ये दोनों नंबर का, और उसमें किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? तो -34। तो लिख दो भाई पहले माइनस कितना, पहले लिख दिया -34। ठीक है पहले लिखेंगे -34, उसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है भाई? किसको ऐड करके? तो 1032 को और
878। लग रहा ना आसान? बिल्कुल है आसान। चलो देख लेते हैं, -34, माइनस का साइन डिफरेंट, साइन में डिफरेंस निकलेगा और साइन बड़े का होगा, तो बड़ा वाला 1032, माइनस का साइन दे दिया, 12 में से 8 गया तो फटाफट बताओ, 12 में से 7 गया तो 5, और कितना बच गया, 9 में से 8 का सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, तो -34 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 154। अब फिर से एक प्लस और एक माइनस तो करना हो, सब्ट्रैक्ट और साइन होगा बड़े वाले का, तो 4 में से 4 गया तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, और 15 में से 3 गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो 12। आ गया ना आसानी से क्वेश्चन, है ना। अब फटाफट देख लो उस क्वेश्चन में क्या भराएगा, ये है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अभी कोई तीन नंबर का, -13, 27 और -41, तो दो तो मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा था, माइनस, फटाफट बता दो भाई कौन सा नहीं मिल रहा था आपको, नहीं मिल रहा था -41, तो बच दिया ना, इसमें कौन सा नहीं मिल रहा है फटाफट देख लो, -37 मिल रहा है, बचा कौन सा 53, इसमें कौन सा मिल रहा था 68, बचा कौन सा -76, है ना। ये प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा, ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब इसमें देख लेते हैं, अगर ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, +83। अब इसमें देख लो 72 में क्या ऐड करोगे तो 72 रहेगा माइनस में, सबको पता है जीरो का प्रॉपर्टीज है, किसी में कोई चेंज नहीं लाता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया भाई, 7, देखना चाह रहे हैं, चलो 7 दिखा देते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, सिंप्लीफाई करना है तो लिख दो पहले, -13 और माइनस माइनस का साइन ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा +27, हो गया पहले का काम, सेकेंड वाले में हो गया -25 +40, हो गया, जल्दी देख लो फटाफट, 7 में से 3 गया तो कितना 4, और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, और इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर आपका आ गया प्लस और 15, कितना आ गया 15, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 29। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट, क्या करना है भाई, बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, कौन 36 माइनस -64, इसको सॉल्व करो, है ना, तो देखते हैं सॉल्व करके, 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा भाई, 64 और 6 हो जाएगा 70, और 30 कितना हो गया 100। चलो एक और सॉल्व करते हैं, -64 को -36 के साथ करना, तो ये हो जाएगा -100, नहीं नहीं इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि पहला वाला दूसरा वाला क्या है, नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, अब क्या देखना है, 9 देखना है ना, चलो देखते हैं 9। अब देखो 9 में क्या होता है, 9 में आपको a का वैल्यू कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में a का वैल्यू दिया हुआ -9 और b का वैल्यू दिया है कितना -6। अब आपको वेरीफाई करना है, एक बार a माइनस बी निकालना और दूसरी बार निकालना है b माइनस a। चलो तो -9 में आपको माइनस कर देना -6, ठीक है, चलो देखो क्या होता है, -9 + 6 क्या आ गया वैल्यू, 6 में से 9 जाएगा तो जल्दी बताओ -3। अब इधर देख लो, इधर लिखना है -6 और माइनस का साइन और -9, अब देख लो क्या होता है, ये हो गया -6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, और 9 में 6 गया तो वैल्यू कितना आ गया 3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए, है ना सर, ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सा, कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज काम नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कह रहा है कि भाई दो इंटीजर का सम है, मान लो एक इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर बी, सम कितना दिया -37, उसमें से एक इंटीजर कितना कह रहा है
एक इंटीजर कह रहा है कि सही एक इंटीजर कितना है 24, ठीक है। चलो देखते हैं करके, एक इंटीजर लिख दिया हमने 24 और दूसरा को लिख दिया क्या x, और कितना होगा -37। अभी आप तो इंटेलिजेंट है, आप क्या करोगे सर, आप ट्रांसपोजिशन कर दो 24 को लेफ्ट से राइट में लेके जाओ तो कितना हो जाएगा -24, और दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 7 और 4 11, 2 और 3 5 और 1 61। तो पता चल गया अदर इंटीजर क्या हो गया, अदर इंटीजर जो आ गया वो आ गया 61। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बता ही देते फटाफट। डिफरेंस दिया हुआ है किसका, कह रहा है ए और -6 का डिफरेंस जो है वो कितना है 4। तो बताओ क्या होगा, ए प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 4 माइनस 6। बताओ फटाफट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 में 6 क्या, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे चलो 2। साइन बताओ फटाफट, तो साइन हो जाएगा बड़े वाले का माइनस। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए का वैल्यू -2/-2। ओके -2 इज द करेक्ट आंसर। अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रू एंड फॉल्स क्या करा। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है क्या, नहीं भाई फॉल्स है। ढेर सारे इंटीजर निकाल सकते हैं -1 -2 कुछ भी निकाल सकते हैं। अब बताना -10 ग्रेटर है या -7 ग्रेटर है। कह रहा कि -10 ग्रेटर है -7 से, भाई ये भी क्या है फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव में जितना भी वैल्यू बड़ा होता है ठीक है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देख लो -10 जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू -7, ठीक है। क्योंकि जब हम नंबर लाइन में इधर जाते हैं, नंबर लाइन के इधर जाते हैं तो कौन सा नंबर आता है, ग्रेटर नंबर आता है, ठीक है। और अगर इधर जाते हैं हम लोग तो कौन सा नंबर आता है, हमारे पास आता है स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब देख लो 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। 0 ये सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है नंबर लाइन आपको, इंटीजर का नंबर लाइन हो गया कि नहीं हो गया है ना। चलो अब सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, पता है 2 नेगेटिव को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू हो गया। चलो अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, भाई इस केस में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन होगा ना कि पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये क्या हो गया फॉल्स, हो गया ना आपका पहला एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपके लिए सेकेंड एक्सरसाइज भी लेके आएंगे।